अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फलस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलम दुनिया का मुतनाज़े तरीन शहर शुमार किया जाता है, क्योंकि इसे मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों मजाहिब के पैरोकार एक मुकद्दस शहर मानते हैं। और यही वजह है कि यरूशलम 7000 बरसों की खून आलूद तारीख में लिपटा हुआ है। ये वो शहर है जो अपनी दास्तान गम दुनिया से बयान कर रहा है। इस शहर ने पिछले एक अरसे में कैसे कैसे नशेबो फराज देखे और यरूशलम पर यहूदियों ने कैसे कब्जा किया। फलस्तीनियों को इस शहर में रहने के लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे यरूशलम की तारीख के बारे में। मगर आगे बढ़ने से कबल आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और एक मुसलमान होने की हैसियत से इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, यरूशलम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। बरतानवी जनरल सर एडमंड एलन बी को यरूशलम के तकद्दस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजों को शिकस्त देकर यरूशलम पर कब्जे की गरज से बाबुल खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। ये वाकया आज से 109 साल पहले यानी 11 दिसंबर 1917 को पेश आया था। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड लॉयड जॉर्ज ने इस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीही दुनिया ने मुकद्दस मकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड ने सुर्खी जमाई कि बरतानिया ने 673 बरस के इक्तदार के बाद यरूशलम को आजाद करवा लिया है। नाज़रीन, इस खबर के बाद मसीही दुनिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाके के ठीक 100 साल बाद ऐलान किया कि यरूशलम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के ममालिक ने इन्हें खबरदार किया था कि इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलम मुतद्दिद बार तख्तो ताराज हुआ। यहाँ की आबादियों को कई बार जबरदस्ती जिला वतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। दोस्तों, इस शहर के हवाले से यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं से अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। जबकि मसीह समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं पर मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़ है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाके मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी और यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में बरसे पीकार रहे और इस सिलसिले में कई सलीबी जंगें भी लड़ी गई। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनो के दौर में बाजंतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीही दुनिया में यह वाकया अजीम साने की हैसियत रखता है। आखिरकार सन 1095 ईस्वी में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहियों से अपील की कि वो यरूशलम को मुसलमानों से आजाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फौज यरूशलम को आजाद करवाने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी। तमाम अक्सर फौजी जल्दी वापस अपने वतन सुधार गए और बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 90 बरस बाद इस शहर को दोबारा आजाद करवाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, मुसलमानों की इस फतह से एक बार फिर यूरोप भर में बेचैनी फैल गई और यके बाद दीगरे 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गई, लेकिन वो यरूशलम से मुसलमानों को बेदखल करने में नाकाम रहे। अलबत्ता सन 1229 में ममलूक हुकमरान अलकामिन ने बगैर लड़े यरूशलम को फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन उसके सिर्फ 15 बरस बाद ख्वाज़मिया ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 बरस तक यह शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। सन 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा और उस्मानी सलातीन ने शहर के इंतजामों इंसराम की तरफ खासी तवज्जो की। उन्होंने शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनाई और डाक का निजाम कायम किया, जबकि 1892 में यहाँ रेलवे लाइन बिछा दी गई और एक अरसे बाद इस शहर पर बरतानवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एलन बी की क्यादत में मसीही बिरादरी ने कब्जा कर लिया। नाज़रीन गिरामी, जनरल एलन बी के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे।
आखिरकार 1947 में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा ने इस शहर को दो हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी, जिसके तहत न सिर्फ फलस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया बल्कि यरूशलम के भी दो हिस्से कर दिए गए, जिनमें से मशरकी हिस्सा फलस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। इसके अगले बरस इसराइल ने आजादी का ऐलान कर दिया और अरब मुल्कों के लिए ये बात नाकाबले कबूल थी। उन्होंने इसराइल पर मिलकर हमला कर दिया लेकिन इन्हें इसमें शिकस्त हुई। इसके बाद अगले दो अशरों तक यरूशलम का मशरकी हिस्सा उर्दन के इक्तदार में रहा, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने इस पर भी कब्जा कर लिया। बैनुल अक्वामी बिरादरी आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है, लेकिन यहूदी कौम इसे अपना घर मानती है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली पार्लियामान ने 1950 से ही यरूशलम को अपना दारुल हुकूमत करार दे रखा है, लेकिन दूसरे मुल्कों ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की करारदाद के एहतराम में यरूशलम की बजाय तेल अबीब में अपने सिफारतखाने कायम कर रखे हैं। और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिवायत को तोड़ दिया। इस तरह अमरीका यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन चुका है। इस शहर की तारीख 7,000 सालों पर मुहित है। माहिरीन आसारे कदीमा के मुताबिक 7,000 साल कबल भी यरूशलम में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। नाज़रीन मोहतरम, तारीख की किताबों का मुतालिया बताता है कि 1,000 साल कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करके अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। 960 कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलम में माबित तामीर करवाया, जिसे हैकले सुलेमानी कहा जाता है। 599 कबल मसीह में बख्त नुसर ने शहर को ताराज करके यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया। 539 कबल मसीह में सायर से आजम ने यरूशलम पर कब्जा करके यहूदियों को वापस आने की इजाजत दी थी। 30 ईस्वी में रोमी सिपाहियों ने यसु मसीह को मसलूब किया, जबकि 638 ईस्वी में मुसलमानों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 691 ईस्वी में उमवी हुक्मरान अब्दुल मलिक ने काबा तो सुखरा यानी डूम ऑफ दिराक तामीर करवाया और 1099 ईस्वी में मसीही सलीबियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 1187 ईस्वी में सलाउद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर इन्हें शहर से निकाल दिया और 1229 ईस्वी में फ्रेडरिक डोम ने बगैर लड़े यरूशलम हासिल कर लिया। आगे चलकर 1244 ईस्वी में दोबारा मुसलमानों का कब्जा हुआ और 1517 ईस्वी में सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलम को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया और 1917 में अंग्रेजी जनरल एलन भी उस्मानियों को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गया। 1947 में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा ने यरूशलम को फलस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1948 में इसराइल की आजादी के ऐलान के साथ ये मुकद्दस तरीन शहर इसराइल और उर्दन में तकसीम हो गया। 1967 की अरब इसराइल जंग के नतीजे में दोनों हिस्सों पर इसराइल ने नाजायज कब्जा कर लिया, जिसके बाद आज तक इस शहर में यहूद कौम ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बर्बरियत का एक तूफान गर्म कर रखा है।